过程啊。ॐ जय जय नमोऽस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जानाणं नमो लोये सवसाणं तेन भुवन मे सार प्रीतराग शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियोग संहारि के आज से अपन छह धारा ग्रंथ चालू कर रहे हैं और छह धारा ग्रंथ किसने लिखा है? पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी ना लिखा, बहुत बढ़िया। पंडित कौन? पंडित दौलत राम जी। सबसे पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण करने के पहले कितनी ढाल है इसमें? छह ढाल है। ढाल का अर्थ बहुत सुंदर गुरुदेश ने किया है। एक तो ढाल माने राग, चाल। छह प्रकार की क्या है इसमें? चाल है, ठीक है ना। और एक ढाल का अर्थ होता है जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो वो जो जो युद्ध करने वाले होते हैं तो अपनी रक्षा किससे करते हैं? वे ढाल से करते हैं। ऐसे यहाँ पे ये जीव अपनी रक्षा कौन सी ढाल के द्वारा करेगा और किससे रक्षा करेगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र से। कौन से ढाल द्वारा? इस छह ढाल द्वारा क्या करेगा? वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को जीत लेगा, जीत लेगा। क्योंकि ये छह ढाल क्यों पढ़ रहे हैं? कि अनादि काल का जो मोह है, मिथ्यात्व है, उसका नाश करने के लिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर ये छह ढाल है। गुरुदेव जी तो कहते थे ना, गागर माँ सागर भरी विभूषण, गागर माँ सागर भर दिया है। ये छोटा समय सार है। क्या कहते इसको? लघु समय सार है ना। बहुत सुंदर है ये पूरी पूरी छह ढाला। देखो अपन पहला ही ये मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है साथ में बोलेंगे। अभी बोला था अपन ने तीन भुवन में सार प्रीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। विज्ञानता यहाँ पे दो दो शब्द आए, वीतराग विज्ञानता। वीतरागता का अर्थ पता है आपको? वीतरागता माने क्या? वीतरागता माने जिसने राग द्वेष को क्या कर लिया है? जीत लिया है। वीतरागता माने क्या जोशना जी? जिसने राग द्वेष को जीत लिया है। और विज्ञानता माने क्या? विशेष ज्ञान। हाँ, विशेष ज्ञान। कौन से ज्ञान को यहाँ नमस्कार किया? केवल ज्ञान जो है उसको यहाँ पे दौलत राम जी ने नमस्कार किया। क्योंकि सारभूत कौन है? तीन लोक में कोई सारभूत हो। तीन लोक माने क्या? तीन लोक में कौन कौन से लोग आते हैं? जब भी बेटा पता है तीन लोक में कौन कौन से लोग आते हैं? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, बहुत बढ़िया, और अधो लोक, है ना। तो सार समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे वो होता है ना, क्या मथनी से मंथन करते हैं ना, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, समझ रहा है। ऐसे यहाँ पे तीन लोक में कोई सारभूत पदार्थ है, प्रकट करने लायक कोई चीज है, तो वो वीतराग विज्ञानता है, समझ में आ रहा है ना। तीन लोक में प्रकट करने लायक सारभूत चीज क्या है? क्योंकि वीतराग विज्ञानता है। अरे एक समय की पर्याय इतनी महान है, इतनी महिमावंत है, तो जो पर्याय जहाँ से निकलती है ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कितना महिमावंत होगा,
माने आश्रय करने लायक, आश्रय करने लायक पदार्थ कहेंगे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आपको ना। सबका स्वभाव विकार विज्ञान विज्ञानमय है और पर्याय में सिद्ध भगवान ने क्या प्रकट कर लिया है, विकार विज्ञानता प्रकट कर ली है। कहते ना भगवान छो और भगवान थाओ, गुरुदेव का एक मंत्र था ना, क्या था, भगवान छो और भगवान थाओ। भगवान छो किसको सूचित करता है, भगवान छो, भगवान हूँ मैं, भगवान हूँ ये किसको सूचित करता है, सबके द्रव्य स्वभाव को सूचित करता है। और भगवान थाओ, भगवान बनो, ये पर्याय स्वभाव को सूचित करता है, सिद्ध दशा को सूचित करता है। क्योंकि सिद्ध दशा ऐसी दशा है कि जहाँ सभी जीव क्या बन गए, भगवान बन गए। कैसे बने, जब स्वभाव ऐसा होगा तो पर्याय में ऐसी प्रकटता हुए बिना रहेगी। कौन सी पर्याय में सिद्धपना प्रकट होगा, कि जो पर्याय ने अपने स्वभाव का आश्रय लिया होगा और जो पर्याय ने ये जाना होगा कि मेरा स्वभाव भी कैसा है, वितराग विज्ञानता वही है ना। तो पर्याय में वितराग विज्ञानता प्रकट हुए बिना रहता नहीं। देखो क्या कहा, तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार। शिवकार का अर्थ किया तो देखिए, शिवकार माने क्या, कल्याण रूप, हित रूप, लाभदायक, मंगलमयी कौन है, तो शिव रूप, शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप माने बहुत बढ़िया, मोक्ष है ना, चले बेटा मोक्ष। अब मोक्ष भी दो प्रकार का, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष, चार्ट बना लेना है ना, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। भाव मोक्ष माने पर्याय में पूर्ण रूप से शुद्धता। पहले शुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसका नाम क्या है, शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा और शुद्धि की पूर्णता का नाम मोक्ष। ये हो गया भाव मोक्ष है ना, शुद्धि की पूर्णता। और सामने सारे कर्मों का, नौ कर्म का और सारे कर्मों का क्या हो जाना, अभाव हो जाना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। हाला है ना, ऐसा जो शिव स्वरूप है, मोक्ष दशा है, वो कैसी दशा है, मंगलमयी, कल्याणमयी, हित रूप, लाभदायक है, प्रकट करने लायक। इसीलिए यहाँ का शिव कार नमूत्र योग संहारी के, क्या करता हूँ मैं, तीनों योगों से क्या करता हूँ मैं, नमस्कार करता हूँ तीनों योगों से, है ना। माने मन, वचन और काय, तीनों की एकाग्रता कितनी जरूरत है। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि फिजिकली हम कहीं बैठे होते हैं और मेंटली कहीं और होते हैं, इसलिए यहाँ पे मन को नहीं छोड़ा, काया और वचन के साथ साथ किसको लिया, मन को भी लिया ना। तीनों की एकाग्रता से मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ, वितराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि जीव अनंत है, आज इसके आगे आएगा ना, पहला ही जो आएगा, पहला दूसरा छंद, सॉरी पहला छंद ये मंगलाचरण रूप में था, अब पहला छंद आएगा संहारी के। संहारी के का अर्थ रह गया ना नमूत्रियो, नमोह माने नमस्कार, नमन करना, वंदन करना है ना, झुकना, किसको झुकना, किसको झुकना, वितराग विज्ञानता को, क्योंकि लोक में यही सारभूत है। अब संहारी के माने सावधानी पूर्वक, जागृति पूर्वक, कोई प्रमाद से नहीं, कोई लापरवाही से नहीं, पर ये मार्ग में मैं कैसा रहूंगा, सावधान रहूंगा है ना। अनादिकाल से मैं किसमें सावधान रहा, विषयों में सावधान रहा है ना। अब कहाँ सावधान होना है, अपने में, मोक्ष मार्ग में सावधान होना है, होना है ना। इसलिए है ना पूज्य बेंशी का बोल है ना, कि जहाँ पे पूरा जगत जागृत है वहां पे मुनिराज सोते हैं, और जहाँ मुनिराज सोते हैं
वहां पूरा जगत जागरूक है। हमको कहां जागरूक रहना है, सावधान रहना है, पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं, कहां पे मोक्ष मार्ग में, समझ आ रहा ना। इसे प्रकट करने लायक यही चीज है और कोई चीज नहीं है। देखो अब इसके बाद जो आता है ना सबसे पहला छंद, देखो क्या लिखा है, तीन चीज होती है ना, साध्य, ध्येय और साधन। तो यहाँ पे क्या कहा, वितराग विज्ञानता वो क्या है, वितराग विज्ञानता क्या है, साध्य, साध्य। ध्येय कौन है, त्रिकाली बल, हाँ बहुत बढ़िया, मेरा आत्मा, वो क्या है, ध्येय। और साधन क्या है, साधन क्या है, साधन क्या होगा, रत्न त्रय, बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो साधन है, श्रीकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ध्येय है, और मोक्ष वितरा विज्ञानता मई वो क्या है, साध्य। तीन चीज हो गए ना, फिर से बोलो तो चले बेटा, तीन चीज कौन सी, तीन चीज, साध्य, ध्येय और साधन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साध्य वितरा विज्ञानता, हाँ, ध्येय त्रिकाली ध्रुव आत्मा और साधन रत्नत्रय, बराबर ना, है ना, तीन हो गया, फिर से साधन, साध्य और दे, आप बोलोगे लद्दी बेटा, बोलो, हाँ, साधन माने, साधन माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, हाँ बहुत बढ़िया, ध्येय माने अपनी आत्मा, साध्य माने मोक्ष, बहुत बढ़िया है ना, दोनों कितने होशियार बच्चे हैं, है ना। आगे जाते हैं, देखो अब यहाँ पे पहली गाथा चालू करते हैं, पहली गाथा के ऊपर क्या लिखा है, देखो, ग्रंथ रचना नो उद्देश्य अन्य जीवनी चाहना, मेरे पास एक गुजराती, कल मैं भी हिंदी रखूंगी सामने, है ना, ग्रंथ रचना का उद्देश्य, उद्देश्य माने हेतु, पर्पस, है ना, इंग्लिश में लिख सकते हो पर्पस, ये ग्रंथ की रचना दौलत राम जी ने क्यों की है, इसके पीछे पर्पस क्या है, हेतु क्या है, ख्याल है ना, और जीव की चाहना, चाहना का अर्थ इच्छा, सभी जीव चाहते हैं क्या, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा चाहते हैं, इसको समझाने के लिए दो लाइन लिखी, क्या लिखा, देखो अपन पढ़ते हैं साथ में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख का करे सीख गुरु करुणा धान। क्या कहा आपने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जे त्रिभुवन में क्या, जीव अनंत, जीव कितने हैं, लोक, लोक में जीव कितने हैं, अनंत है। आपको ये नियम ख्याल ही होगा, बराबर, कि छह, हर छह महीने और आठ समय में 300 और 608 जीव क्या कहा जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, 608 जीव निगोद, नित्य निगोद से निकलते हैं और 608 जीव मोक्ष जाते हैं, है ना। तो आपका प्रश्न होगा कि हर छह महीने और आठ समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो संसार की राशि खत्म हो जाती होगी कि नहीं, संसार की राशि तो खत्म हो जाती होगी ना, हर छह महीने आठ समय के बाद 608 जीव चले जाएंगे, तो फिर तो एक समय ऐसा आएगा कि नहीं कि संसार की राशि खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संसार में रखने वाले जीव भी अनंत है और मोक्ष जाने वाले जीव भी अनंत है, समझा है ना, संसार में रहने वाले जीव का काल भी अनंत काल है और सिद्धालय में रहने वाले जीव का काल भी कितना है, अनंत काल है, रहने वाले जीव भी अनंत और काल भी कितना, अनंत काल है। अपना एक प्रश्न हो सकता है ना कि पहले संसारी या पहले सिद्ध, चलिए बेटा क्या प्रश्न किया, पहले संसारी या पहले सिद्ध, बोलो, दूसरा कि पहले संसारी होते हैं कि पहले सिद्ध होते हैं, पहले सिद्ध, पहले संसारी होते हैं तो सिद्ध नहीं, क्या बोलोगे, हाँ बोलो, हाँ संसार भी अनादि का है और सिद्ध भी अनादि के है,
है ना, बोलो काल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? काल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना। संसार भी कब का है? अनादि का है। और सिद्ध भी कब के है? अनादि के है ना। अगर व्यक्ति विशेष से बात करो, व्यक्ति सामान्य रूप से देखे तो दोनों अनादि काल का, पर व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से बात करो कि भाई ये कोई कोई व्यक्ति ये काल में इस समय कहाँ गए? मोक्ष गए। समझ पाए ना, जैसे मारीची का जी गया ना, महावीर बन के मोक्ष गए ना, तो व्यक्ति अपेक्षा से चलो पहले ये सिद्ध गए, पहले ये सिद्ध हुए, बाद में ये सिद्ध हुए, पर सामान्य रूप से देखे तो कोई पहले और बाद में ऐसा नहीं है। अनादि काल से संसार है और अनादि काल से सिद्ध दशा। संसार राशि बताई ना, जीवों की राशि, यहाँ पे कहा ना जे त्रिभुवन में जीवन, जीवों की राशि कितनी बताई, कितनी बताई? अनंत है, पर सबकी अलग अलग बताई ना, सबको मिलकर तो बताई अनंत जीवों की राशि। पर अब चार गति में डिवाइड करो, चार गति में तो नरक की और देवों की राशि कितनी? असंख्या। दोनों की राशि चले बेटा कितनी? संख्या। मनुष्य की राशि संख्या है ना, और निगोद या जीवों की राशि है ना कितनी है? अनंत है। ऐसे तीर्यंश की राशि असंख्या है, पर तीर्यंश निगोद निगोद या जीव को उसमें शामिल करो तो कितनी हो जाएगी तीर्यंश की राशि? अनंत हो जाएगी, क्योंकि निगोद या जीव अनंत है। ऐसा कोई लोकाकाश में प्रदेश नहीं होगा कि जहाँ पे निगोद या जीव ना पाया जाए। जहाँ सिद्धालय है, सिद्ध भगवान है, वहां पे भी थसा थस कौन से जीव भरे हैं? निगोद या जीव भरे हैं। हाँ है ना, फिर से चारों गतियों की अगर राशि कहे तो मनुष्य, मनुष्य को नहीं, अपन तीर्यंश, तीर्यंश तो अनंत, मनुष्य संख्या, और नारकी और देव कितने? नारकी और देव असंख्या है ना। मनुष्य में भी एक एक प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनको कहते हैं समूचन मनुष्य। सुना है समूचन मनुष्य? आपने तो स्वाध्याय सब वो सुनाई है, समूचन मनुष्य। अगर समूचन मनुष्य को, समूचन मनुष्य को संगनी मनुष्य, समूचन मनुष्य को है ना गर्भज मनुष्य में गर्भित करो, कौन से मनुष्य में? गर्भज मनुष्य में गर्भित करो तो मनुष्य की संख्या भी असंख्या। पहले कितनी कही मनुष्य की? गर्भज मनुष्य की संख्या कितनी कही? संख्या। मनुष्य में भी दो प्रकार का जन्म, गर्भज मनुष्य और समूचन मनुष्य। समूचन में ऐसे मनुष्य होते हैं ये जो स्त्रियों की योनियों में काक आदि में ये उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य जैसा ही आकार होता है और मनुष्य नाम कर्म का उदय होता है, मनुष्य गति का उदय है, संगनी है, पंचेंद्रिय है, क्योंकि नियम है सारे मनुष्य संगनी ही होते हैं। मनुष्य कोई भी क्या नहीं होगा? असंगनी नहीं होता है, बराबर ना। मनुष्य क्या नहीं होता? असंगनी नहीं होता। मनुष्य सारे कैसे होते हैं? संगनी ही होते हैं, बराबर। अब उस गर्भज मनुष्य में, बराबर, उसमें अगर हम समूचन की संख्या डाल दे तो कितनी होगी? कितनी होगी? असंख्या होगी। इसलिए मुझे लगा कि गुरुदेव ने यहाँ पे ये कहा कि मनुष्य तीर्यंश और नारक की संख्या असंख्या है, तो फिर मनुष्य की संख्या संख्या क्यों की, क्यों कही? क्योंकि समूचन मनुष्य को उसमें गर्भित कर दिया। किसमें गर्भित किया? गर्भज उस मनुष्य में गर्भित कर दिया, तो मनुष्य की संख्या हो गई असंख्या। समझ पा रहा है ना? नेट तो संख्या आई है, राशि आई है 29 अंक प्रमाण। कितनी अंक प्रमाण? 29 अंक प्रमाण मनुष्य की संख्या बताई, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण बताई है। समझ पाया ना? अगर ऐसे जीव कितने अनंतानंत है। अब सबकी इच्छा क्या है, सब क्या चाहते हैं? देखो जीव तो अनंत है, जीव तो अनंत है, सब सुनना, पर सबके पास मोक्ष जाने की क्या नहीं है? सबके पास मोक्ष जाने की लायकात नहीं है। फिर से क्योंकि जीवों में भी दो प्रकार के, एक चार्ट बना लेना, भव्य और अभव्य, बराबर। अभव्य जीव, अभव्य जीव,
जिनके पास तो लायकात ही नहीं है, और भव्य जीव ऐसे हैं कि जिनके पास क्या है, लायकात है मोक्ष जाने की। बराबर ना? देखो मैं आपको एक टिकट के उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे, यहाँ से किसी को प्लेन में जाना हो, प्लेन में जाना हो, जिसको टिकट तो मिल गई बराबर, पर अभी भी टिकट वेटिंग लिस्ट में है। एक जीव तो ऐसे है कि जिनको टिकट ही नहीं मिली, एक जीव ऐसे है कि जिनको टिकट मिली पर वो कौन से लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में है, और एक वैसे है, वही जीव ऐसे जिनकी क्या हो गई, टिकट कंफर्म हो गई। समझा है ना? अब देखो जिनकी टिकट ही नहीं मिली है, जिनको, वे तो हो गए अभव्य जीव। क्या हो गए, कौन से जीव हो गए, अभव्य जीव हो गए, अभवी, क्योंकि उसके पास तो क्या नहीं है, टिकट ही मिली नहीं है, तो जाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है। अब दूसरा ये जीव, जीव है जिसको टिकट तो मिली है पर अभी कौन से लिस्ट में है, वो वेटिंग में है। मींस कि उसके पास क्या है, पॉसिबिलिटी तो है, चांसेस है, बराबर ना, क्योंकि उसके पास क्या मिल गई है, टिकट तो मिली है बराबर ना, पर अभी भी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेटिंग में है, ख्याल आ रहा ना। अब उसी का ही वेटिंग क्लियर हो गया तो वो क्या क्या कर सकता है, वो प्लेन में, फ्लाइट में ट्रैवल कर सकता है ना। ऐसे अभी लो यहाँ पे अभव्य जीव तो ऐसे कि जिनके पास मोक्ष जाने की टिकट ही नहीं है। अब ऐसे जीव है ऐसे कि जिनके पास भव्यपना है, सन्नीपना तो है, माने उसके पास टिकट तो मिली पर अभी भी वेटिंग लिस्ट। क्यों वेटिंग लिस्ट, भव्यपना और सन्नीपना है पर पुरुषार्थ नहीं किया ना, इसलिए वेटिंग लिस्ट में है ना। और जो पुरुषार्थ करेगा उसका क्या हो जाएगा, टिकट कंफर्म हो जाएगा। ख्याल आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सारे भवी मोक्ष जाएंगे, अपन ने क्या था ना, ना? सारे भव्य मोक्ष नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत सारे भव्य है कि जो कभी मोक्ष जाने वाले नहीं, उनको भव्य इसलिए कहा क्योंकि उनके पास मोक्ष जाने की लायकात है पर वे क्या नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कर लिया तो मोक्ष चल जाएंगे, और नहीं करते हैं इसलिए वे कहा रहने वाले हैं, संसार में ही रहने वाले हैं। मतलब दुर्भाग्य मोक्ष जा सकते तीन प्रकार के ना भव्य कौन से है, तीन प्रकार के, एक तो निकट भव्य माने आसन भव्य, एक एक दूर एक तो दूर भव्य, और जो तीसरे है ना दूरानु दूर भव्य, वो इस कैटेगरी में आएंगे कि जो भव्य होने के बावजूद भी कभी मोक्ष जाने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? आसन भव्य वाले और दूर भव्य जाएंगे पर दूरानु दूर भव्य वाले मोक्ष जाने वाले नहीं है। हाँ निकटवर्ती भव्य लिया ना, वो तो जाएंगे, वो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर जाएंगे। हाँ, और दूर भव्य तो जाएंगे, जैसे विडो है, उसकी शादी हो चुकी है, वो विधवा हो गई है, बच्चा तो कर सकती है बट पति नहीं रहा तो है उसके अंदर, हाँ लायकात है। और एक बात सुना लिया है जो कि बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो अभवी। हाँ, बैठ गया ना इसमें, ये उदाहरण है बहुत अच्छे से, है ना। दूर भव्य, दूर भव्य ऐसे है कि जो अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी लंबे काल के बाद भी मोक्ष जाने वाले हैं। निकट भव्य है ना, निकट भव्य आसन भव्य, वे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर जाएंगे। दूर भव्य जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी ज्यादा का संसार में रखड़ के फिर मोक्ष जाएंगे, मोक्ष तो जाएंगे निश्चित है पर और लंबा का, और लंबा का। समझ आ रहा है? और एक तीसरे प्रकार के कौन से जीव है, तीसरे दूरानु दूर भव्य, वे तो ऐसे जीव है कि जो कभी मोक्ष जाने वाले ही नहीं है, भव्य समान अभव्य के समान ही है, बराबर ना, कि जो कभी मोक्ष को प्राप्त करने वाले नहीं है।
क्लियर आपको तीन हो गया अभी क्लियर वो अभव्य के लिए उधार है ना। और अभी जो भाभी ने उदाहरण दिया वो बैठा ना ये भव्य भी कौन किसके जैसे अभवी के समान है ये जिनके पास लायकात तो है पर क्या नहीं करेंगे पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए मोक्ष में जाने वाले नहीं है और अनंत काल का हार रखने वाले संसार में ही रखने वाले। इसे कहा ना पुरुषार्थ प्लस लायका दो चीज चाहिए लायका प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू परिणमन लायका प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू परिणमन समझ आ रहा ना लायका है पर पुरुषार्थ नहीं तो परिणमन नहीं समझ आ रहा ना और पुरुषार्थ लायकात ही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेगा तो भी परिणमन है तो परिणमन के लिए दोनों चाहिए क्या चाहिए लायकात भी और पुरुषार्थ तो ऐसा ऐसा दोनों का सुमेल होगा तो नियम से उस जीव को मोक्ष वे बिना रहेगा नहीं। देखो आगे क्या कहते हैं सुख चाहे दुख ते भयबल अपन ने भी बहुत सारे चार थे ना गर्भज वाले संगनी वो चार गति का तो एक बार वो कर देना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं सुख चाहे दुख ते भयवन क्या चाहते हैं और किससे डरते हैं सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं है ना। सभी जीव दुख से डरते हैं कि नहीं है ना और सभी जीव क्या चाहते हैं सुख तो चाहते हैं। अब भूल क्या करता है दुख कहा पहला पॉइंट दुख कहा है दुख किसका है दुख किसका है वो पता नहीं दुख किसका है उसको तो लगता है ये संयोगों का दुख है ये प्रतिकूलता का दुख है पर उसका तो दुख है ही नहीं दुख किसका है उसको पता नहीं और सुख कहा है और कैसे प्रकट करे वो भी उसको पता नहीं। दो चीज क्या कहा चलिए बेटा बोलो क्या दो पॉइंट दुख कहाँ है हाँ दुख कहाँ है हाँ वो भी उसको पता नहीं हाँ और सुख भी कहाँ है वो भी उसको पता वो भी पता नहीं है ना। दुख किसके कारण से है क्यों दुखी है वो पता नहीं और सुख से लबालब कौन भरा है और सुख को प्राप्त करने की विधि क्या है उसको पता नहीं है। इन गिनेयों में ही क्या करता है वो भेदभाव करता है ना ये गिने अच्छे हैं और ये गिने बुरे हैं है ना ये रखने लायक है और ये छोड़ने लायक है पर खरे खर देखे तो कोई भी गिने छोड़ने या रखने लायक नहीं है क्योंकि ये गिने तो सारे ज्ञान का ज्ञान में मात्र क्या होते हैं मात्र झलकते हैं पर ये इष्ट अनिष्ट करके क्या होता है दुखी होता है मिथ्यात्व का दुख उसको दुख लगता ही नहीं है और जो सुख से लबालब भरा हुआ है उस पे आज तक दृष्टि ही नहीं गई है इसीलिए सुख तो चाहता है पर दुख से और दुख से क्या होता है डर लगता है बोलते ना मर पच के भी पंडित टोडरमल जी ने कैसे शब्द का प्रयोग किया है मर पच के भी वो दुख को दूर करना चाहता है सो करके भी वो दुख को दूर करना चाहता है पर वो दुख को दूर करने का सही उपाय क्या है और दुख किसका है वो उसको पता ही नहीं है। इसलिए पंडित जी ने कहा ना क्या कहा सुख चाहे दुख दे भयवंत आगे ताते दुख हारी सुखकार ताते का अर्थ क्या किया ताते माने ते थी उसके लिए ताते माने अब सुख चाहते हैं उसके लिए दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा धा। अब गुरु हमको किसका उपदेश देते हैं दुख का नाश करने का और सुख की प्राप्ति का हमको क्या देते हैं करुणामयी उपदेश देते हैं। एक एक शब्द में कितना वजन है करुणामयी इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना भाई ये छोटा समझदार माने क्या एक एक शब्द की वैल्यू है एक एक शब्द की कीमत है। ये गुरु माने कौन से गुरु कहीं हम कोई पानी समुद्र में जाता हो ना और नाव डूबने वाली हो और कोई व्यक्ति उसको बचा ले ना तो उसको उसको तो एक जीवन मिला एक जीवन मिला समझ में आ रहा ना इस
इस भव में मरने से बचा दिया। ये गुरु की करुणा कैसी है। मोक्ष मार्ग के जो गुरु है, भावलिंगी मुनिराज है, संत है, हमारे गुरुदेव है, उनकी करुणा कैसी है। हमको कितने जन्म मरण से रहित करने वाले हैं। ये तो एक मरण से दूर किया, हमको कितने मरण से दूर करने वाले उपदेश दे रहे हैं। अनंत जन्म मरण को दूर करने वाला हमको ये उपदेश दिया है। कहा ना करुणा, तीन प्रकार की करुणा होती है ना, तीन प्रकार की। कैसी करुणा? एक तो केवली भगवान की करुणा, केवली भगवान की करुणा, अकषायी करुणा, विकल्प ही नहीं आता उपदेश देने का उनको। सहज वाणी निकलती है ना केवली भगवान की, तो बराबर है ना, इसलिए अकषायी करुणा कहते हैं। केवली भगवान की करुणा को अकषायी करुणा, के विकल्प बिना उपदेश निकले। और कितने जीव उनके उपदेश सुनकर क्या कर ले, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, प्रकट कर ले। दूसरी करुणा ज्ञानियों की, मुनिराजों की, ख्याल आ रहा ना, कैसी करुणा? निष्कषायी करुणा। निष्कषायी माने विकल्प तो है, उपदेश देने का विकल्प तो आता है गुरु गुरुओं को, बराबर ना, आचार्यों को, पर कैसी? निष्कषायी माने सामने कुछ चाहते नहीं है कि हमने उपदेश दिया तो हमारा शिष्य हमारा बन के रहे, हमारी सेवा करे, हमारा हमारी क्या करे, ख्याल आ रहा ना, भैया वृत्ति करे, हमको कुछ दे, क्या चाहिए। वे तो माला माल है, समझ में आ रहा ना, उन्होंने तो अपना खजाना देख लिया है, और जो खजाना उन्होंने देखा, जो आनंद में डूबे हुए हैं, उस आनंद को सारे जीव प्राप्त करे, ऐसी ज्ञानी योगी क्या होती है? निष्कषायी करुणा होती है। और अज्ञानी को करुणा नहीं होती, अज्ञानी को कषाय होती है। क्या होती है? कषाय होती है ना। देखते हैं ना लौकिक में कुछ भी करते हैं, सामने क्या क्या इच्छा रखते हैं कि हमने इनके लिए इतना किया तो सामने ये हमारे लिए इतना करे, होती है कि नहीं। इसलिए अज्ञानियों की इच्छा जो होती है वो तो कषाई वाली होती है, ज्ञानियों की जो होती है वो निष्कषाई होती है, और केवली की जो होती है वो अकषाई होती है। समझ में आ रहा है ना, तीन प्रकार की करुणा। क्या कहा? कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरुदेव ने सीख का अर्थ दिया। सीख माने क्या? सीख माने, चलिए बेटा बोलोगे आप, सीख माने, बहुत बढ़िया, सीख माने उपदेश है ना, उपदेश। अपने अपने गुजराती में कहे ना शिखामण, भलामण, बराबर ने, साचा साचो उपदेश, सत्य बात। सीख माने क्या कहा? श्रीमद जी ने कहा ना, कौन सा रोग हमको रोग हुआ है अनादिकाल से? मिथ्यात्व का रोग। तो कौन सी सीख दे रहे हैं? मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने की और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की हमको सीख दे रहे हैं। इसलिए श्रीमद जी ने कहा ना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। कौन सी भ्रांति? आत्म भ्रांति। आत्म भ्रांति माने मैं आत्मा हूं, हाँ, ऐसा जो स्वीकारा नहीं है ना, वो ही भ्रांति है, ख्याल आ रहा है। और अपने को क्या मान के बैठा है? ये शरीर वाला, ये गोरा पतला मोटा छोटा, क्षयोपशम ज्ञान वाला, राग वाला, ख्याल है ना, पैसे वाला, हाँ, पंडित बोलने वाला, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मिथ्यात्व है, ये ब्रह्म है। खरेखर ये सब मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये तो स्वांग है। क्या कह दिया? समय सार में तो कहा कि संवर की पर्याय मोक्ष की पर्याय भी स्वांग है, और वो पर्याय के बीच में जो टिकने वाला पदार्थ है, परम पारिणामिक भाव है, निष्क्रिय है, ध्रुव है, जो एक रूप रहने वाला भाव है, अभेद है, अखंड है, वो मैं हूं। और जब ऐसा स्वीकार होता है तो खरेखर मैंने ज्ञानी योग की करुणा समझी कही जाएगी, और मैंने ज्ञानी योग का उपदेश सुना कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए कैसा पाठ गुरुदेव ने हमको कैसे पाठ पढ़ाए? पामर नहीं प्रभु छो। क्या कहते गुरुदेव? पामर नहीं प्रभु छो, भगवान छो, भगवान थाओ
मंत्र कहते थे समझाणू काय कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। गुरुदेव कितनी एक ज्ञानी के जीवन में, एक आत्मार्थी के जीवन में, जिसको अपना आत्मा प्राप्त करना हो उनको गुरु के प्रति विनय भी कैसा हो। पूज्य बेंसुई को गुरुदेव के प्रति कितना विनय आता था ना। पूज्य बेंसुई क्या कहते थे गुरुदेव के लिए कि आत्मा शब्द बोलना भी सिखाया हो तो किसने सिखाया है? गुरुदेव ने सिखाया। क्या हमको गुरुदेव नहीं मिले थे उसके पहले? उनको आत्मा शब्द नहीं पता था? पता था, पर आत्मा कौन है, हाँ? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये कहां उनको भान था? खाली एक शब्द था, समझ में आ रहा है ना? तो ये बोलना भी सिखाया तो किसने सिखाया? गुरुदेव ने सिखाया। सोगानी जी को गुरुदेव के प्रति उपकार लगता था ना, तो सोगानी जी गुरुदेव के प्रति क्या कहते थे कि गुरुदेव का जो उपकार है अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक है। क्या कहते थे? अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक। क्यों ऐसा कहते थे? उसका मतलब ये नहीं कि अनंत तीर्थंकरों का अभिनय कर दिया, नहीं। उनका भाव ये था कि अनंत तीर्थंकरों के काल में मैं अपना काम नहीं कर पाया तो गुरुदेव सामने मुझे प्रत्यक्ष मिले और मैं क्या कर पाया। पूनम भाभी, मैं अपना काम गुरुदेव के निमित्त से मैं कर सका, इसलिए उनको क्या लगता था गुरुदेव श्री का? अनंत उपकार लगता था। इसलिए तो प्रत्यक्ष गुरु की महिमा है ना, श्रीमद जी ने कही ना, प्रत्यक्ष गुरु ज्ञानी। कितने जीव गुरुदेव के काल में कितने जीव ने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया, बहु समुद्र का क्या कर लिया, अंत ला दिया। हमने अनंत काल से क्या नहीं किया, ये अपूर्वता, ये काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया? गुरुओं की सीख ही नहीं मानी। क्या सीख नहीं मानी? मिथ्यात्व अहित कारक है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हित कारक है, ऐसी हमने सीख ही नहीं मानी। ख्याल आ रहा है ना? देखो क्या कहता है, कहे सीख गुरु करुणा धार। धार माने, धार माने धारण करना। धार माने क्या? धारण करना, समझ में आ रहा है ना? कहते ना जीवन में तत्व ज्ञान होगा ना, तो तत्व ज्ञान सारी समस्याओं का क्या कर देगा? समाधान कर देगा। तत्व ज्ञान के बिना जो जीवन है वो कैसा है? दुखमय है, आकुलतामय है। और किसका कारण है? बंध का कारण है। और जिनके जीवन में तत्व ज्ञान होगा उनका जीवन कैसा होगा? निराकुल होगा, शांतमय होगा, सहज होगा, समझ में आ रहा है ना? पवित्र होगा, निर्मल होगा। और वो जीव नियम से किसका कहा जाएगा मोक्ष में जाए बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना लब्धी बेटा? ख्याल आ रहा है आपको, है ना? बहुत होशियार बेटा बच्ची है, ठीक है ना? आगे एक बार आप बोलोगे दो लाइन की गाथा बोलोगे? आपको आता है पहला छंद बोलो। सुख चाहे दुख ते भय मन, हाँ। ताते दुखारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। श्रीमत जी ने कहा ना, कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान माँ कोई, माने मार्ग मोक्षनो, करुणा उपजे जोई। करुणा है ना, करुणा शब्द, करुणा उपजे जोई। उनको देख देख के ज्ञानियों को क्या आती है? करुणा आती है कि कहा मोक्ष का मार्ग मान लिया। कहा मान लिया? दो चीज में। कहा कहा? एक तो जड़ की क्रिया में और एक मात्र शुष्क ज्ञान में। शुष्क ज्ञान माने कोरा ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, है ना? ऐसा ज्ञान नहीं हमको, तो कौन सा? आत्मज्ञान, स्वसन्मुक्ता वाला ज्ञान। ख्याल आ रहा है ना? अतीन्द्रिय ज्ञान। मोक्ष मार्ग में अतीन्द्रिय ज्ञान की कीमत है, इंद्रिय ज्ञान की कीमत नहीं है। अभी कह रही थी ना, गुरुदेव ने कहा ना कि प्रभु हूँ पामर नहीं। गुरुदेव श्री का एक बोल है, किसी को पता है? पामरता का स्वीकार करेंगे
तो कभी भी प्रभुता प्रकट नहीं होगी। और प्रभु पने का स्वीकार करेंगे तो पामर पने का नाश हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कहा, क्या कहा? चलिए बेटा बोलो, क्या आप बोलो? अगर पामरता मानेंगे तो कभी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया तो पामरता अपने आप ही छूट जाएगी। बहुत बढ़िया, पामरता नाश हुए बिना रहेगी नहीं। समझ में आ रहा ना? एक ही बार में याद रह जाता है बच्ची को तो। आगे देखो, अब ये दूसरी गाथा, आज दो गाथा करते हैं बराबर, साथ में पढ़ेंगे। ताहि सुनो भव मन तिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। देखो क्या कहा, ताहि सुनो, पहले तो यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है, गुरु शिक्षा सांभळवानो आदेश अने संसार परिभ्रमणनु कारण, दो चीज कही। क्या कही? गुरु शिक्षा सांभळवानो आदेश, सुनो, किसको सुनो? गुरु की शिक्षा को सुनो, सुनने की प्रेरणा दी पहला, और दूसरी लाइन में क्या कहा, संसार परिभ्रमण का कारण। पहले कारण तो सोधो, कारण तो ढूंढो कि किसके लिए संसार परिभ्रमण है। रोग का उपाय कब करेंगे? उपाय कब करेंगे? रोग का पता हो। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हाँ बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि रोग का उपाय ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता है। कितने टेस्ट करवाते हैं नहीं देखते अपन, अरे इतने टेस्ट करवाए अपन, वो रोग ही पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए डॉक्टर दवाई किसकी दे। समझ आ रहा है ना? रोग पकड़ में आए तो दवाई दे। ऐसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रोग को पकड़ो, रोग को पकड़ाया दूसरी लाइन में। क्या कहा? पहले तो सुनने की प्रेरणा दी, क्योंकि सुनेंगे तो पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत किससे करना? ज्ञानी के उपदेश को सुनना। फिर क्या करना? फिर शास्त्रों को पढ़ना। और तीसरा स्टेप में कहा कि विचार करना, पढ़ के सुन के क्या करना, विचार करना। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? अनुभूति हुए बिना रहेगी। चार स्टेप्स में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। चार स्टेप्स, कितना सिंपल है ना। फर्स्ट स्टेप पूनम अभी सुनना, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहा? पढ़ना। फिर क्या कहा? विचारना। और चौथा अनुभूति। जोशना आप बोलोगे एक बार चार जोर से? हाँ, पहला स्टेप सांभळवानो, हाँ विचारवानो, हाँ सांभळना, पढ़ना, पढ़वानो, वाचवानो, विचारवानो, अनुभूति। मम्मी आप बोलोगे? सुनना, पढ़ना, विचार और अनुभूति। बहुत बढ़िया पूनम, अभी आप बोलोगे एक बार आपस? सुनना, पढ़ना, विचारना और अनुभूति। बहुत बढ़िया, लड़की बेटा बोलोगे आप? सुनना, विचारना, पहले सुनने के बाद क्या? पढ़ना, विचारना। अरे वाह, ख्याल आ गया है ना। और कैसा सुनना? भव मन स्थिर, खाली सुनने के लिए नहीं सुनना। किसी ने बोला चलो आ जाओ आज अभी एक अभी बैठ जाओ हमारे साथ, समझ में आ रहा है ना, अभी आज तक आए हो तो एक घंटे का ही प्रवचन है, बैठ जाओ। और बैठ जाते हैं, इसको सुनना कहते हैं कि नहीं? चलिए बेटा इसको सुनना कहते हैं कि नहीं? हाँ, किसी ने बोला कि कुछ नियम ले लो, स्वाध्याय का नियम ले लो, पूरे दिन का एक घंटे का स्वाध्याय का नियम ले लो। हाँ, तो स्वाध्याय कैसे करेगा वो? घड़ी के कांटे से स्वाध्याय करता है कि कब एक घंटा पूरा हो तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा। बोलो, ऐसे स्वाध्याय करने को कहा है हमारे आचार्यों ने, ऐसे सुनने को सुनना कहते ही नहीं है। सुनना कैसे? कैसे? भवम भव भवी मन स्थिर आन, कैसे स्थिर करना? हे भव्य जीव, क्या कहा? हे भव्य जीव, हे भव्यो, भवी भवी माने हे भव्यो, मन को स्थिर रख के सुनना। अपन नहीं बोलते बाहर में लौकिक में भी कुछ कार्य करना हो तो अगर मन स्थिर ना हो तो कर सकते हैं कि नहीं? उपयोग की चंचलता में हम बाहर के कार्य नहीं कर सकते,
तो मोक्ष मार्ग का कार्य आत्मा की प्राप्ति ऐसे चंचल मन से हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसे सबसे पहले किसको स्थिर करना? मन को, उपयोग को स्थिर करना। क्योंकि सुनने में उपयोग स्थिर होगा तो आत्मा का अनुभव में उपयोग स्थिर हुए बिना रहेगा। और उपयोग तब स्थिर होगा कि जब क्या लगेगा कि ये मेरे हित की बात है, है ना। रुचि जगेगी तो उपयोग स्थिर हुए बिना रहेगा नहीं। देखो, जो चाहो अपनो कल्याण, सबके लिए ये बात नहीं, किसके लिए? जो अपना कल्याण, जिसको अपना कल्याण करना हो उनके लिए ये बात है। नहीं तो बाकी तो संसार में अनंत काल से रखड़ी रहे हैं और ये भव में भी काम नहीं किया तो ये भव भी ऐसा का वैसा ही चला जाएगा। और अगर ये त्रस्त पर्याय की स्थिति पूरी हो जाएगी तो बोलते ना एक्सपायरी डेट, सब चीज की क्या होती है? एक्सपायरी डेट। देखो, हम बाहर में भी कोई पदार्थ लेने जाते हैं ना तो हम क्या देखते हैं? उसकी ड्यूरेबिलिटी। ज्यादा लंबी टिकने वाली चीज होगी ना तो हम तुरंत ले लेंगे और अपन को पता चलेगा कि नहीं, ये टकाऊ नहीं है भाई, ये तो 10-15 दिन 20 दिन में क्या हो जाएगा, आउट, एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो हम उसको छूते भी नहीं है। ख्याल आ रहा ना? ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ का आश्रय लो कि जो कैसा है? टिकाऊ है। ऐसे सुख को प्राप्त करोए करे कि जो कैसा है? टिकाऊ है। इंद्रिय सुख टिकाऊ नहीं है, इंद्रिय सुख कैसा है? एक्सपायरी सहित है। और अतिंद्रिय सुख कैसा है? परमानेंट है, एक्सपायरी डेट के बिना है। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने का हमको क्या दे रहे हैं? तो दौलत राम जी हमको उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे सुख को प्रकट करने के लिए मन को कैसा करो? स्थिर करो। जो चाहो अपनो कल्याण, बराबर ना। और दूसरी लाइन में कहा मोह महा मद पियो अनादि। कब से पिया या मोह रूपी मदिरा पान? अनादिकाल से। पूरा यह पिक्चर सही दिखाया है ना कि एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति देखो कैसा पड़ा है रस्ते में, सब कुत्ते सारे जो भिखारी लोग हैं सब आके उसको कैसा क्या क्या कर रहे हैं, पर उसको कोई भान है, कोई सूझबूझ नहीं है, कैसा बेभान पड़ा है। समझ में आ रहा ना? हाँ बोलो बेटा। मदिरा पान यानी शराब पीना, शराब पीना, ख्याल आ रहा ना? ये बेभान पड़ा है, उसको कोई सूझबूझ नहीं है। अपने को तो ये बेभान दिखता है पर ये दौलत राम जी कहते हैं ये सारे अज्ञानी जी बेभान है, सारे मदिरा पान करके बैठे हैं। लगता है हमको? नहीं लगता है ना, क्योंकि हमने मोह मदिरा पान किया है। कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोमा में, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे देखो तो इसकी हालत तो देखो बेचारे, कितने साल से, 4-5 साल से कोमा में पड़ा है, कोई सूझबूझ नहीं है, ख्याल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कि देखो कितनी करुणा आती है ना बाहर में, अपने को कितनी करुणा आती है। यहाँ पे अपने को दौलत राम जी कहते हैं अज्ञानी जीव कोमा में पड़ा है। क्या कहा? अज्ञानी जीव कहाँ पड़ा है? कोमा में पड़ा है, क्योंकि उसको सुख कहाँ लग रहा है? 5 इंद्रियों के विषयों में। शरीर को क्या मान के बैठा है? अपना मान के बैठा है, इसलिए उसने मोह रूपी मदिरा पान किया है। और भूल आपको भरमत वादी, भूल आपको क्या? भरमत वादी, वादी माने व्यर्थ में ही, वादी माने चले बेटा व्यर्थ में ही क्या कर लिया अपने को? भूल गया है, है भगवत, भगवत स्वरूप है, भगवान है, परमात्मा। गुरुदेव श्री का 3 वाक्य है ना, हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छु एम निर्णय कर, अने हूँ परमात्मा छु एम अनुभव कर, है ना। तो हूँ परमात्मा छू ऐसा भूल गया है और मोह रूपी मदिरा पान करके बेभान पड़ा है, तो अब ऐसे संसार परिभ्रमण हमको नहीं करना है। इसीलिए हमको अपना कल्याण करना हो तो हम आचार्यों की क्या सुने, हम गुरुओं की क्या सुने, क्या सुने? शिक्षा सुने, सीख सुने, उपदेश सुने, जो हमको अपना कल्याण करना हो तो। और ऐसे सीख द्वारा, ऐसे उपदेश द्वारा, रत्नत्रय का उपदेश द्वारा हम अपना कल्याण करके मिथ्यात्व का नाश करके अनंत काल चिद्यालय में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना।
जिनवाड़ी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो सर्व भाव लिंगी मुनिराज नो जय। हम भक्तों ने मौन इंद्रा माथी जगाड़नार समता रस नो पान करावनार अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय।